सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। असी अज की इस वीडियो सोशल साइंस के नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर कर जा रहे हैं। इस तो पहला असी दो वीडियो दे विच सोशल साइंस के नाल संबंधित इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर किए हैं। अज की वीडियो असी पार्ट 3 शेयर कर जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करन तो पहला, अगर तुसी इस चैनल पर नवे हो, अज तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस ही शुरू करते हैं, साढ़े को क्वेश्चन नंबर 151 है, जिस कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हेठ लिखे विचों किस ते हुई। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, टैथिस समुद्र, तो अंध महासागर, हिंद महासागर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 आ जाएगा जी, हिंद महासागर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हिंद महासागर तो हुई। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है, जन्म दर अते मौत दर दे अंतर नूं की कहिंदे हन। ऑप्शन है वाधा दर, शिशु जन्म दर, लिंग अनुपात दर या आश्रित दर। तो इनू असी कहिंदे जी जन्म दर अते मौत दर का जिहड़ा अंतर है उन्हूं असी कहिंदे आश्रित दर। ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन है, किसी देश की भोजन की जरूरतों किवें निर्धारित कीतियां जांदियां हन। किसी देश की भोजन की जरूरतों किवें निर्धारित कीतियां जांदियां हन। ऑप्शन है खेतर के भौतिक आकार के आधार पर, पेंडू बसों के आधार पर, या शहरी बसों के आधार पर, या जनसंख्या के साइज़ ते रहन सहन दे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन 4 है जी, जनसंख्या के साइज़ अते रहन सहन ते। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है कि दुनिया का सब तो वड्डा डेल्टा केड़ा है। दुनिया का सब तो वड्डा डेल्टा केड़ा है, वोल्गा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, दौनवे दौन डेल्टा, तो कावेरी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 है जी, दुनिया का सब तो वड्डा जो डेल्टा हुआ जी सुंदरबन डेल्टा। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है, काजीरंगा जंगली जीव खेत्र हेठ लिखियां विचों किहड़े राज विच स्थित हैं। ऑप्शन है असाम, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी आसाम दे विच है काजीरंगा। नैक्सट क्वेश्चन है 156 है, जिस दे विच कि इन्हां खेत्रां विचों किहड़े खेत्र विच पटसन मिलां ज़्यादा हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, वैसट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा जी वैसट बंगाल, इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है 157, जिस दे विच है कि मार्बल की है, तहदार चट्टान, अग्नि चट्टान, बसाल्ट चट्टान या परवर्तित चट्टान। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 है जी, जो मार्बल है वह परवर्तित चट्टान है, परवर्तित चट्टान। नैक्सट क्वेश्चन है 158, हीरा कुंड बन केड़ी नदी ते बनया है, सतलुज, महानदी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है जी ऑप्शन 2 है नर्मदा। और ये वर्ल्ड का सब तो लोंगेस्ट डैम है, सब तो लंबा डैम है हीरा कुंड डैम। ये पूरे वर्ल्ड के विच लंबा बांध है जो कि महानदी ते बनया है, जो कि उड़ीसा दे विच है। महानदी किधर है, अगर स्टेट की गल आती है तो उड़ीसा दे विच पैंदा। नैक्सट क्वेश्चन है 159, जिस दे विच है किस मुगल शासक ने पंजाब नूं दो भागों विच वंडिया, बाबर, अकबर, औरंगजेब, सिकंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी अकबर ने। किहड़े दो भागों विच वंडिया सी उन्होंने, एक लाहौर ते मुल्तान, सूबा ए लाहौर ते सूबा ए मुल्तान दे विच वंडिया सी। नैक्सट क्वेश्चन है, नदी नूं बिपाशा दे नाम दे नाल जाना जाता है। ऑप्शन है रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ब्यास। ब्यास नूं बिपाशा दे नाम दे नाल जाना जाता है। तो अगर असी रावी की गल करिए, रावी नूं
पुरुषनी के नाम के नाल जाना जाता है, तो चिनाब नू अस्कनी अस्कनी के नाम के नाल जाना जाता है, तो जेलम नू जाना जाता है वितास्ता, जेलम नू जाना जाता है वितास्ता के नाम के नाल। इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा जी ब्यास। इस नदी नू विपाशा के नाम के नाल भी जाना जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है 161 है, जिस विच बाबर ने चौथी बार भारत उत्ते कदों हमला किया सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1524, 1525, 1523 ते 1526। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी 1524 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है कि सब तो प्राचीन वेद केड़ा है, सब तो प्राचीन वेद केड़ा। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अयुर्वेद, अयर्थवेद। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सैकंड आ जाएगा, सब तो जो प्राचीन है वह जी ऋग्वेद, इसका जो राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 163 है, गुरु नानक देव जी का परमात्मा केहो जिहा सी, निर्गुण, सदागुण, अवगुण, निराकार। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जी, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होंदा। नैक्सट क्वेश्चन है 164 कि जजिया की है, जजिया धर्म है, धार्मिक कर है, प्रथा है, सुन्नी है। तो इसका राइट आंसर है कि जो जजिया है वह एक धार्मिक कर है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 165 जिस विच गुरु रामदास जी दी पत्नी दा की नाम सी, गुरु रामदास जी दी पत्नी दा की नाम सी, बीबी भानी, बीबी सुलखनी, बीबी खीवी या बीबी मेहताब कौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जी, बीबी भानी इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है कि नेपोलियन दी मौत कदों हुई, नेपोलियन दी मौत कदों हुई। इस दे ऑप्शन है जी 1825, 1826, 1827, 1821। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह है जी 1821 दे विच हुई। नेपोलियन कितों का सी, इसका संबंध जो है फ्रांस, जिहड़ा नेपोलियन सी वह फ्रांस का सी, नेपोलियन जिहड़ा वह फ्रांस का सी। इसकी जिहड़ी मौत है वह 1821 ईस्वी च हुई, तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है संसद विच बजट कौन पेश करता है, संसद विच बजट कौन पेश करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। इसका जो राइट आंसर है जी ऑप्शन 4 आ जाएगा जी, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 प्रस्तावना नू की कहिंदे हन, प्रस्तावना नू की कहिंदे हन, संविधान, संविधान का परछावा, संविधान की कुंजी, दोवें एक ते दो जां उपरोक्त विचों कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी जिहड़ा प्रस्तावना है वह संविधान का परछावा, संविधान की कुंजी उसनू कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है किहड़े देश कोल वीटो शक्ति है। देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन बनना सी, क्वेश्चन ही कि किहड़े देश कोल वीटो शक्ति नहीं है, किहड़े देश को वीटो शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन इसका आ जाना ही भारत, भारत कोल वीटो शक्ति नहीं है। जिस जिस दे कोल वीटो शक्ति है वह आ जाएगी अमरीका आ गया जी, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन ते रशिया, इन्हां को वीटो पावर है, तो भारत कोल जिहड़ी है वह वीटो पावर नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन है 167 जिस दे विच किहड़े देश विच लोकतंत्र नहीं है, किहड़े देश दे विच, सॉरी क्वेश्चन है किहड़े देश विच लोकतंत्र है, उत्तरी कोरिया, चीन, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी किहड़े देश विच लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 171 जिस दे विच है कि 2019 विच 19वीं लोकसभा दा स्पीकर किसनू चुनिया गया सी, ओम बिरला, हामिद अंसारी, सोनिया गांधी, पी बी थंबी दुराई। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट है जी, ओम बिरला, इस वेले जो लोकसभा दे स्पीकर है ओम बिरला इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है 172
जिस विच भारतीय जनता पार्टी का जन्म कदों होया 1952 1970 1980 या 1984। तो इसका जो राइट आंसर है जी भारतीय जनता पार्टी का जन्म होया जी 1980 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायिक न्यायिक अदालत दे जजां दी गिनती किन्नी हुंदी है। ऑप्शन 12 15 20 ते 22। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी 173 दा किन्नी हुंदी है 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत दे जजां दी जिहड़ी गिनती है वह किन्नी हुंदी है जी 15। इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 है जिस विच है कि बंगलादेश की स्थापना कदों हुई 1965 1972 1971 1970। इसका राइट आंसर आ जाना जी 1971 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है 175 जिस दे विच है कि किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जिस नाल साड़ियां जरूरतां संतुष्ट हुंदियां हन उसनू की कहा जाता है। तुष्टि गुण जायदाद कीमत ते मुद्रा उन्हों कहा जाता जी तुष्टि गुण। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 176 जिस दे विच है कि जेकर एक व्यक्ति 6 रुपये प्रति इकाई दे हिसाब दे नाल किसी वस्तु दीयां 50 इकाइयां की विक्री करता है तो उस व्यक्ति नू प्राप्त होने वाली कुल आमदन किन्नी होएगी जी। किन्नी हो जाएगी 50 गुना 6 किन्नी आ जाएगी 300 रुपये। ऑप्शन सेकंड इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 177 जिस दे विच प्राथमिक खेत्र विच मुख तौर पर किहड़े खेत्र शामिल किए जाते हैं तो है जी खेती खेत्र जिहड़े कि प्राथमिक खेत्र दे विच आते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है 178 जेकर किसी काम विच लोड़ तो वध लोकां नूं काम ते लगाया गया तां वाधू काम ते लगे हुए लोकां नूं केड़ा बेरोज़गार कहा जांदा है। मौसमी बेरोज़गार या संघर्षात्मक बेरोज़गार या छुपे हुए बेरोज़गार या चक्री बेरोज़गार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी छुपे हुए बेरोज़गार इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है जिस दे विच है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है आमदन के पद्धर से खर्च के पद्धर से निवेश के पद्धर से बचत के पद्धर से। इसका राइट आंसर आ जाएगी खर्च के पद्धर के द्वारा गरीबी रेखा का जिहड़ा निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 180 जिस दे विच है कि राष्ट्रीय आमदन का माप करते समय हेठा विच्चों किहड़े लोगों की आमदन नूं इस विच शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आमदन का माप करते समय हेठा विच्चों किहड़े लोगों की आमदन नूं इस विच शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन देखो जी विदेशियों की गैर निवासियों की साधारण या आम निवासियों जी अपरोक्त विच्चों सारे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी आम निवासियों जां तुसीं कह सकते हो साधारण निवासी। जदों राष्ट्रीय आमदन का माप करते हैं तो उस समय जिहड़े साधारण निवासी है जां आम निवासी है उन्हां दी जिहड़ी आमदन है उन्हां नूं शामिल किया जाता है। तो अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।